जो सांस मेरी थी काम आए, धड़क धड़क कर है थक गया दिल, इसे भी थोड़ा आराम आए। कुछ मांग रही हूँ तुमसे, इनकार नहीं करना। दोस्तों, मेरा जो वीडियो है, मेरे शॉर्ट्स जो हैं, काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं। मुझे मालूम है एक हफ़्ता हो गया है, क्योंकि ना मेरा ना फ़ोन ना ख़राब हो गया था। और इस टाइम मैं हूँ टेरेस पर, आप देख सकते हैं टेरेस पर हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा पीछे देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए कंस्ट्रक्शन चल रही है पीछे। बहुत बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है और बहुत सालों से बन रहा है। और मैंने जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और मैंने ये फ़ोन अपना ठीक करने के लिए शॉप पे दिया हुआ था। और फ़ोन अभी ठीक होकर के आया है मेरा। मेरा फ़ोन बिल्कुल चूरा चूरा हो गया था एक्चुअली। जब मैं वीडियो शॉर्ट्स बना रही थी तो फिर ना टॉप फ्लोर से मेरा फ़ोन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया था। ग्राउंड फ्लोर पर गिरने से ना मेरा फ़ोन बिल्कुल बेकार हो गया। फिर जब मैं शोरूम में गई फ़ोन परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पर पता चला कि फ़ोन बहुत महंगा है। दूसरा फ़ोन अगर मैं लूँगी तो फिर मुझे मजबूरी में ये वाला फ़ोन ठीक कराना पड़ा। तो इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो गए। और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अभी, जब मेरा फ़ोन अभी ख़राब हुआ तो। इससे पहले भी हो गया एक बार, तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। छोटे छोटे उम्र के लड़के थे, 25-25 साल के, 18-20 साल के, तो वो मेरा फ़ोन छीन करके, मेरा बैग में मैंने फ़ोन रखा था एक्चुअली, तो मेरा बैग ही वो छीन करके भाग गए थे और मेरा फ़ोन चला गया। मैंने कंप्लेन की, लेकिन फ़ोन कभी भी नहीं मिलता। आपका चोरी हुआ हुआ फ़ोन कभी भी नहीं मिलता, तो मेरा फ़ोन भी नहीं मिला। वो भी मुझे बहुत लॉस हुआ। मेरी लाइफ में मेरी ना लॉसेस चलते जा रहे हैं और पता नहीं कब खुशी आएगी। मैं खुशी की तलाश में रहती हूँ। और बस अब आप लोगों का सहारा है। अगर आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और मैं बहुत ज़्यादा अभी मैं सोच रही थी, और अभी मैं नीचे ना घर पर, अभी मैं इस टाइम टेरेस पर हूँ और रसोई में मैं अभी ना सफ़ेद रंग के छोले रख कर के आई हूँ। और जस्ट अभी मैं फ़ोन लेकर के आई हूँ शोरूम से, ठीक करवा के शॉप से। तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डॉग्स के अलावा भी बहुत सारे वीडियो आपके पास अपलोड करती हूँ। और एक्चुअली मैं आप लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, सच में मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। और इसीलिए ना मैं, मेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं और मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही हूँ, कंफ्यूजन की कंडीशन हो रही है। और मैं टेक्निकली देखा जाए, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ वगैरह मैंने बहुत सारे सुने हैं, देखे हैं, और उसमें आप लोगों को जो फेक वीडियो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं, जो ओरिजिनल वीडियो है वो आप लोग नहीं पसंद करते, मुझे मालूम है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करो। अब मैं फेक तो नहीं बन सकती है ना, मैं फेक तो नहीं बन सकती ना, आपको कुछ और दिखाऊं और हूँ मैं कुछ और, ऐसा तो नहीं मैं कर सकती। तो मैं 3 साल से आपके पास हूँ और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। और मेरे जो वीडियो हैं, मेरे शॉर्ट्स जो हैं, सब मिक्स कैटेगरी के बनते हैं। और मैं कोई अपने चैनल को कोई नाम नहीं दे पा रही हूँ ढंग का, या पीपल एंड व्लॉग्स होता है और व्लॉगिंग चैनल होता है, व्लॉगिंग चैनल होता है, या कुकिंग का हो गया, इस तरह के चैनल में मैं कैटेगरी नहीं ढंग की चूज़ कर पाई, जिस वजह से आज मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ। अगर मैंने सही कैटेगरी चूज़ की होती तो शायद मेरा भी वीडियो, मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे, मैं अभी जस्ट सीख ही रही हूँ, सीखो और सिखाओ, बस वही है फंडा मेरा। और ज़िंदगी को जीने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ, खुद को ग्रूमिंग करना चाहती हूँ, खुद को प्यार करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे प्यार करो, तो उसके लिए मुझे आपको प्यार करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ किसी से चाहिए होता है तो हमें पहले उसको देना पड़ता है। तो मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ नहीं सकते। आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ एक्चुअली, कि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लविंग और केयरिंग हूँ मैं। और
मैं और अच्छा और बेहतर बनना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि हम लोग जिसको प्यार करते हैं हम उसके लिए बदल जाते हैं, तो मैं आपके लिए बदलना चाहती हूँ। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जिस तरह से मैं बातें कर रही हूँ, अब इस तरह की बातों के लिए मैं क्या अपने वीडियो को नाम क्या दूँ, टाइटल क्या रखूँगी, थंबनेल कैसा रखूँगी। थंबनेल मुझे बनाना नहीं आता, टाइटल मुझे ढंग का लिखना नहीं आता, किसी भी काम में मैं निपुण नहीं हूँ, परफेक्ट मैं नहीं हूँ, मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बेहतर हूँ, औरों से बहुत मच 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 बेटर हूँ। और सबको अपनी कमी और अपनी अच्छाइयों के बारे में पता होता है, इसी तरह से मुझे भी मालूम है कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। तो मैं उसी के साथ ही आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं नहीं, मैंने जो फ़ोन ठीक करवाया मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं सिर्फ इसीलिए फ़ोन ठीक करवाया कि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती हूँ। और अब बस बहुत हुआ, अब मैं खुल करके बात करना चाहती हूँ। मैं शर्म को एक साइड में, जैसे होता है ना शर्म को ऐसे करके एक साइड में रखना चाहती हूँ और अपने फेस का जो नकाब है वो हटाना चाहती हूँ। मेरा ये वीडियो सबके लिए है, मेरा वीडियो सबके लिए है, चाहे छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए है। और गेमिंग चैनल पे या अश्लील चीज़ों को अगर हम इग्नोर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उनको अगर हम ना देखें तो बेटर है, क्योंकि हमारे को थोड़े से संस्कार भी हमारे अंदर होने ज़रूरी हैं। प्यार एक बहुत प्यारा खूबसूरत शब्द भी है और एक महसूस करने वाली चीज़ है। ये महसूस तभी होगा जब आप लोगों का सपोर्ट होगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये प्यार भी महसूस होगा। देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग है यहाँ पर टेरिस पर, इस टाइम 8 बज रहे हैं और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। गैस के ऊपर मैंने रखे हुए हैं छोले और मैं कितनी अजीब हूँ। एक्चुअली पता है क्या, किट्टू और गौरी भी नीचे रोड पर ही हैं और काफ़ी सारे लोग उनके अगेंस्ट हैं, और जो काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं, जो मैंने आपको बताया भी है, औरत औरत की दुश्मन होती ही है, ये काफ़ी आजमाई हुई बात है, सच कह रही हूँ मैं। और कई बार क्या होता है ना कि आदमियों को भी ना औरत की बात को मानना पड़ता है घर में अपने शांति रखने के लिए, अगर वो गलत भी है ना तो भी उसको सपोर्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी सारे लोग करते होंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और मैं जो कह रही हूँ टॉपिक जो मेरा है, जो मैं टेक्निकली बात जो आपसे करना चाह रही हूँ, वो ये है कि मेरे जो वीडियो हैं पूरे फुल वीडियो आया करेंगे, और मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है सच में यार। आप लोग कितने डैशिंग, कितने प्यारे हो, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती, बहुत खूबसूरत हो आप लोग। जो भी कोई बंदा मुझे देखता है, मुझे वॉच करता है, मेरे लिए वो परमात्मा से कम नहीं है, मेरे लिए वो बहुत ही प्यारा सब्सक्राइबर है, मेरा प्यारा बच्चा। क्योंकि ना पता है क्या, जो छोटे से लेकर बड़े तक जो भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं वॉच करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ग्रो करना, एक्सप्लोर करना। क्योंकि बचपन से ही मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे कैप लगाऊं, फ़ोटो खींचवाऊं, मेरे को फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता। कई बार मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा ना फेस ना फोटोजेनिक नहीं है, मॉडल की तरह मेरे को रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से आपका जो ग्रूमिंग एज है या जो आपकी जो आपका अच्छा टैलेंट है ना वो ना दब जाता है। तो वही चीज़ है कि भी मैं जो चाहती, ओ कोई कीड़ा आ गया, तो वो चीज़ देखो मेट्रो आ गई, कितनी अच्छी लग रही है ना पीछे से मेट्रो, वाह। देखा टेरिस कितना अच्छा है हमारा, सुहाना टेरिस है, बहुत प्यारा टेरिस है। और अब तो बारिश भी हुई थी, पता है मैं क्यों ना, क्योंकि ना मैं ना बारिश में ना ये वीडियो ना अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि ना बारिश का शॉट नहीं लिया मैंने, और मैं हमेशा ओरिजिनल चीज़ें दिखाती हूँ, फेक चीज़ें तो मैं दिखाती नहीं हूँ आपको। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, एक ही फ़ोन है, उसी से ही मैं वीडियो बना के उसी से अपलोड और पब्लिक करती हूँ। तो बस मुझे इतना सा ही ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मुझे सिखाओगे तो मैं ज़रूर सीखूँगी। आप लोग मुझे हौसला और हिम्मत दोगे तो मैं जीना चाहती हूँ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती इसलिए मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और मैं मरूँ भी क्यों, मेरे को बहुत सारा काम है, मेरे को बहुत सारे काम है, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे बहुत सारे काम अभी पेंडिंग हैं और काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मुझे अभी अपने स्ट्रे डॉग के लिए बहुत कुछ करना है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मेरे गोरी किट्टू को, मेरे सारे बच्चों को जिनके तो मैंने अभी नाम तक नहीं रखे, सड़क के भी जितने भी बच्चे हैं उन सब के बारे में मैं
अच्छा सा करना चाहती हूँ, जिससे कि उनके लिए कुछ फूड प्रोवाइड करना, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ना मैं अभी कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ऐसे ना तो कोई व्यूअर्स है, ना तो ऐसे कोई सोर्सेज है, ना तो कोई सब्सक्राइबर है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से फेमस हो गए और उनको बिग बॉस में बुलाया गया है, और जो वड़ा पाव वाली है वो भी दिल्ली से ही है, और मैं यमुना पार से आपसे बात कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, जैसे टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल सही और अच्छी बोलते हैं, लेकिन ना पता है क्या है ना कि वक्त कई बार ख़राब होता है। हम इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वक्त जो है ना कई बार बहुत ख़राब चल रहा होता है हमारा। ये देखिए मेट्रो गई अभी, और मेरा भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन ऊपर से नीचे गिर गया, मेरे हाथ से छूट गया और बिल्कुल चूरा चूरा हो गया, जिसको ठीक होने में कम से कम मुझे एक हफ़्ता लग गया। और इस वजह से क्या हुआ, व्यूज़ सारे डाउन हो गए, और गोरी किटू भी सीढ़ियों में नहीं रहते हैं और वो ऊपर भी नहीं आते, गर्मी इतनी ज़्यादा है दिल्ली में और वो बाहर ही रहते हैं। और उनके मैं वीडियो आपके पास अब अपलोड करूँगी, और प्लीज़ मेरे जो वीडियो हैं प्लीज़ उनको प्यार कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करोगे, आपके एक शेयर से मेरी लाइफ बन सकती है, अगर आप लोग समझते हैं तो, अगर आप लोग समझदार हैं ज़रा से भी तो देख लीजिए। इस टाइम मैं टेरिस पर हूँ, ये देखिए टेरिस का व्यू। और मैं यही आपसे कहना चाह रही थी, इस टाइम तो बहुत रात हो गई है और मैं अभी सीख ही रही हूँ, देखा जाए तो करते करते सीख जाऊँगी धीरे धीरे। आप लोग मेरे अपने हैं, मैं आप लोगों को छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। अब मैंने अगर वीडियो एक चैनल शुरू किया है तो मैं इस मुहिम में आगे रहूँगी हमेशा, डॉग्स के लिए मैं काम करती रहूँगी। रात बहुत हो गई है, पता नहीं मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, तो बहुत पास से वीडियो बना रही हूँ। अब देखिए दिख रहा है इस साइड पर, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना रोशनी, टेरिस पर कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ठंडी हवा है। ये देखो देखो मेरी चुन्नी कैसे उड़ रही है, देखो तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई, सर की जो सिरे से सिरे से कैसे बोलते हैं वो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोटो शूट करना, और बहुत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना वो फ़ोटोग्राफी करना मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, लेकिन कभी इस तरह का मौका नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी YouTube पर भी आऊँगी और कोई मुझे देखेगा इस तरह से, और अगर कोई भी मुझे देखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और डॉग्स के वीडियो के साथ साथ मैं आपके पास और बहुत सारे वीडियो लेकर के आती हूँ, ओरिजिनल वीडियो बनाती हूँ, मैं फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो जो भी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उनको देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप वीडियो को शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे जो फ़ोन टूटने की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो गई हूँ, तो मुझे आगे आना है। और सब्सक्राइबर आप लोग मेरे बढ़ाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये देखिए मैं आपको लाइट दिखाती हूँ पीछे से, ये देखो दिख रही है लाइट, घरों की लाइट जल गई है, रात हो गई है, 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब नीचे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और दीपिका के घर होगी बेटी, मैंने ना कल एक वीडियो में देखा टीवी में कि भी ना दीपिका ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वन पीस शॉर्ट्स में थी थोड़ी सी, और अमिताभ बच्चन जी उनकी हेल्प कर रहे हैं स्टेज पर आने के लिए, बहुत अच्छा मोमेंट था। और वो प्रेग्नेंट हैं तो बेटी होगी उनकी, ज़रूर देखना, और बेटी हुई तो फिर मेरी बात सच निकल जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके यहाँ बेटी ही हो, क्योंकि मैंने बेटी ही बोला है, तो अब देखते हैं मेरी बात में कितना दम है। और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने शादियां कर ली, काफ़ी सारे लोग अपने मम्मी पापा बन गए हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं, तो मैं भी ग्रो करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी
अच्छे सब्सक्राइबर मिले, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग वीडियो करो। और मेरे को ना इतना पर्टिकुलर ना टाइम भी नहीं मालूम कि मैं किस टाइम पे वीडियो को अपलोड करूँ, एक्चुअली इतना कुछ वो है नहीं नॉलेज ना मेरे को, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने वीडियो को कब किस टाइम अपलोड करूँ। आप लोग किस टाइम फ्री होते हो ये बताओ सबसे पहले, तो आप लोग फ्री कब होते हो? रात के 12 बजे होते हो, 11 बजे होते हो, रात को 10 बजे फ्री होते हो? और लेडीज़ लोग तो मेरा वीडियो बहुत कम देखती हैं, पता नहीं उनको प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये 3-4 साल से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर, और मेरे सारे वीडियो ना मिक्स वीडियो होते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करके। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मैंने पहना है कॉटन का सूट, अगर आप देखना चाहते तो प्लीज़। ये देखिए मैं फ़ोन को ना इस साइड रख देती हूँ, देखते हैं आपको अगर मेरा ये सूट दिखाई देगा तो मुझे ज़रूर बताना। इधर रखूँ इसको जिससे मेरा सूट दिखाई दे, पूरी की पूरी तुम्हारी नहीं दे रहा ना। रात का अंधेरा भी तो हो गया है ना, काफ़ी सारे लोग ना फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर कैसे लगाते हैं मुझे नहीं लगाना होता। फेस तो नज़र आ रहा है मेरा, सूट मैंने येलो, ये देखिए मैंने सूट कौन सा पहना है, ये देखो मैंने जो सूट पहना है डिज़ाइनर सूट है। इसके ऊपर ना बीट्स लगे हुए हैं, कॉटन का सूट है, प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन का सूट है। ये देखिए कॉलर वाला सूट है, प्योर कॉटन है। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना चुन्नी वाले सूट, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बड़ी बड़ी चुन्नी हो 2.5-2.5 मीटर की। पहले के ज़माने में ना जो चुन्नियाँ बनती थी ना, दुपट्टे जो बनते थे वो 2.5-2.5 मीटर के बनते थे। ये देखो कितनी बड़ी दुपट्टा है मेरा, ये देखो कितना बड़ा दुपट्टा है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कॉटन के सूट। और आप लोग अगर इंडोनेशिया से, बाहर से, कुवैत से, कहीं से भी आप, अमेरिका से, यूएस से, कहीं से भी आप देख रहे हो, तो वहाँ पर भी लेडीज़ ना सूट ज़रूर पहनती होंगी कॉटन के। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कॉटन के सूट। बताना आप लोगों की वहाँ पर कंट्री में कौन से भाई कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, क्लोथ्स में क्या पहना जाता है, सूट्स पहने जाते हैं, जीन्स या कैप्री या जो भी कुछ, स्कर्ट टॉप। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और किटू गोरी को देखना तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे स्ट्रीट डॉग को देखना है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आप लोगों से बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जो व्यूज़ एंड डाउन हो गए, सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को, अगर आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं तो। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अगर आपको कल मेरा वीडियो देखना है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि मैं आपके पास और बहुत पास, बहुत नज़दीक रहूँ। ठीक है, जाऊँ बता दो, बाय। तेरी चुनरिया दिल दे, हाँ ठंडी ठंडी हवा, किसको अच्छी लगती है हवा, हवा किसको अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, मेरे को जाना है नीचे, और पूरी फैमिली के साथ जब हम लोग रहते हैं तो हमें काम करना ही है, वो भी टाइम पे काम करना होता है, क्योंकि ना अकेले अगर आप रह रहे हो तो फिर तो आप जैसे मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हो, टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा डिनर का, लंच का, ब्रेकफास्ट का, लेकिन बाकी सब चीज़ों में तो नहीं चलेगा ना। फैमिली के साथ, फैमिली फैमिली होती है, तो उनके साथ रहना है तो फिर तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, थैंक यू। मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना, थैंक यू। और किटू गोरी को देखना है, मेरे स्ट्रीट डॉग को देखना है, स्ट्रीट डॉग को देखना है, देसी डॉग्स को देखना है। कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है, कोई भी चीज़ का वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। बाहर का वीडियो देखना है और बस में का वीडियो देखना है, शॉर्ट्स देखने हैं, जो भी आपको पसंद है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना, मैं इंतज़ार करूँगी। बाय, गुड नाइट, दुआओं में याद रखना, थैंक यू।